never tell, never tell. Just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets, you're keeping these promises strong as a spell. All right, तो अब इस काली माता के मंदिर को छोड़कर चलते हैं सबसे ऊंचे ग्राउंड की ओर. जो वो ग्राउंड है वो किधर है? आगे ही. और मंदिर है जो वो मंदिर इधर ऊपर है. ऑल राइट, तो ये वाला है वो ग्राउंड चाइल का जो सबसे ऊंचा ग्राउंड है. सॉरी, चाइल का ये वाला ग्राउंड हिमाचल का सबसे ऊंचा ग्राउंड है. बाकी मुझे पता नहीं, शायद एशिया का भी सबसे ऊंचा ग्राउंड हो सकता है. इसमें अंदर नहीं जा सकते क्योंकि ये मिलिट्री एरिया है. तो मैं बाहर से ही वीडियो बना रहा हूँ और थोड़ा बहुत ही आपको दिखा रहा हूँ. अब चलते हैं चायल के एक और ही मंदिर में. चायल में वैसे बहुत सारे मंदिर है. अब वाले जिस मंदिर पे जाएंगे वो भी बहुत खूबसूरत है और काफी पुराना भी है. तो फाइनली हम पहुंच गए सिद्ध बाबा मंदिर पे, जो कि ये भी चायल में ही सिचुएटेड है. और अब मैं आपको ये मंदिर दिखाता हूँ और उसके बाद हम चलते हैं वापस सोलन की ओर. तो हम पहुंच चुके हैं सिद्ध बाबा जी के मंदिर में, जिसके बारे में मैंने अभी बात की थी. और ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है और यहाँ का व्यू भी काफ़ी ब्यूटीफुल है. और मुझे लगता है कि ये वाला मंदिर चायल के सबसे मुख्य मंदिरों में से एक होगा. मैं आपको मंदिर के अंदर का दिखा देता हूँ. ये वाला मंदिर है सिद्ध बाबा मंदिर और ये चायल का सबसे मेन मंदिर होना चाहिए. मैं आगे आपको दिखाता हूँ और यहाँ की स्टोरी भी आपको बताता हूँ. आप इस मंदिर को देख सकते हैं किस तरह से मंदिर बना हुआ है. और सामने मूर्ति है बाबा जी की, सिद्ध बाबा जी की. आप देख सकते हो हम पहले यहाँ पर आ चुके हैं. हमने मत्था टेका और यहाँ पर परमिशन ले ली थी कि क्या हम वीडियो बना सकते हैं. और यहाँ पर नंदी बैल की भी मूर्ति है और यहाँ पर एक फोटो है जो कि राजा जी की है. ये है राजा यादविंदर जी. इनके बारे में बताता हूँ और मंदिर के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ. तो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि जो अमरिंदर जी है हमारे, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनके फादर हुआ करते थे यादविंदर जी. यादविंदर जी के फादर हुआ करते थे भूपेंद्र जी, जो कि अपने टाइम में राजा हुआ करते थे. तो राजा साहब ने सोचा कि मैं अपने लिए एक पैलेस बनाता हूँ. और वो पैलेस बनाना शुरू किया गया इस वाली जगह पर जहाँ पर बाबा सिद्ध मंदिर है. पर लेकिन जितनी बार भी उन्होंने उस पैलेस को बनाने की कोशिश की, दीवार खड़ी करते वो अगले दिन गिर जाती. जितनी बार दीवार खड़ी करते अगले दिन वो गिर जाती. ऐसा बहुत बार हुआ. तो एक दिन उनके सपने में आए सिद्ध बाबा जी और उन्होंने भूपेंद्र जी से कहा कि ये जो जगह है ये मेरी जगह है, आप किसी और जगह जाकर पैलेस बना दीजिए. उसके बाद उन्होंने यहाँ पर पहले सिद्ध बाबा जी मंदिर बनाया और उसके बाद उन्होंने पैलेस बनाया जो कि चायल में ही एक पैलेस सिचुएटेड है. आजकल वो एज ए होटल की तरह यूज़ किया जाता है. तो वो पैलेस कहीं और बनाया गया था. तो आप समझ सकते हो कि ये वाला मंदिर यहाँ का मेन मंदिर है. और इसी के बाद में काली माता का मंदिर सामने बनाया गया है. यहाँ के जो गुरु है उन्होंने ही काली माता मंदिर बनाया है. और आपने देखा कि वो कितनी ज़्यादा खूबसूरती से बनाया गया है. तो जैसा कि चायल की लगभग सारी जगहों को हम एक्सप्लोर कर चुके हैं, जस्ट हम पैलेस में नहीं गए क्योंकि वहाँ पर कोई इतना खास फ़ायदा नहीं है. अंदर जाने का वहाँ पर जो टिकट लगता है वो भी फालतू में इतना महंगा है. उसे एज ए होटल यूज़ किया जाता है अब. और जैसा कि आपने देखा कि सिद्ध बाबा का मंदिर, ये कुछ ऐसी जगहें हैं जिन्हें टूरिस्ट को बहुत कम ही पता है. तो आई होप आपको चाइल्ड ट्रिप की ये सारी वीडियोस पसंद आएगी. और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद. फाइनली हम पहुंच गए हैं कुछ मंदिर है.